अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज का हमारा जो उनवान है नात, नात किसकी तारीफ के लिए पढ़ा जाता है? बच्चों, आज मैं आपको ये समझाती हूँ कि नात किसको कहते हैं, नात किसकी तारीफ के लिए पढ़ा जाता है। नात यानि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो उसको नात कहते हैं, ठीक है। और नात हज़रत मोहम्मद खातिमुल अंबिया हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबियों का सरदार, उनके लिए नात पढ़ी जाती है। और नात में ये गुनगुनाया जाता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीफ है, ठीक है। और हज़रती जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है, कौन थे, कौन है, ठीक है। हज़रती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी थे, यानि पहले बहुत सारे नबी आए लेकिन आखिरी नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। और फिर अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा कयामत तक, ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ईफ़ों का मददगार, गरीबों का रखवाला था, यतीमों का वाली, ठीक है, गुलामों का मौला, ये सब हमारे नबी में थे, ये सिफतें हमारे नबी में थे, ठीक है। और हमें उन्होंने कौन से राह दिखाई, यानी कौन सी जो राह है वो कौन सी राह है जो हमारे नबी ने हमें दिखाई, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने कुरान भेजा, कुरान में दो रास्ते फरमाए, एक गलत और एक सही, यानी गलत जो है, गलत रास्ता कुरान में ये बताया कि अगर जो लोग हैं वो गलत रास्ते पे चलेंगे तो उनके लिए कौन सा अजाब है, जो सही रास्ते पे चलेंगे उनके लिए कौन सा अजाब है, ठीक है। अब इंसान को खुद तक है कि वो गलत रास्ता अपनाए या सही रास्ता अपनाए, ठीक है। और वो सही रास्ता हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि जो सही रास्ता है वो कौन है, ठीक है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते थे, यानी रोज रो रो कर दुआएं मांगते थे। यानी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी एक हदीस में है कि कयामत के दिन सब अपनी यानी अल नफ्सी कहेंगे, लेकिन एक आवाज़ आएगी या उम्मती, यानी ए उम्मती, सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको सिर्फ उस वक़्त अपनी उम्मती का गम होगा, ठीक है। यानी हमें जो है, सारे लोगों को अपना गम होगा कि हम बचेंगे कि नहीं, हमारा हिसाब क्या होगा, लेकिन हमारे नबी जो है वो फरमाएगा कि उम्मती जो है उनको बचा, मेरी उम्मती जो है उनको बचा, ऐ अल्लाह उन पर रहम कर, ठीक है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने जो किया है अपनी ज़िंदगी में उनको सन्नत कहते हैं। यानी अगर हम देखेंगे, हम एक गिलास पानी पियेंगे, अगर हम देखेंगे उसमें कितना सुन्नत हम पाल सकते हैं, ठीक है। एक तो है, अगर हम पहले गिलास देखेंगे, पानी का एक गिलास, गिलास में कुछ ना गिरा हो, ठीक है, वो देखेंगे, ये भी सुन्नत है। बिस्मिल्लाह पी कह कर पढ़ेंगे, यानि बिस्मिल्लाह कह कर पियेंगे तो वो भी सन्नत है। तीन घूंट में पियेंगे तो वो भी सन्नत है। लास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे तो वो भी सन्नत है। ये एक गिलास, एक पानी के गिलास में इतनी सन्नत है कि अगर हम ये अपनाएंगे तो हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सन्नत है उनको ज़िंदा रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानि नबियों के सरदार थे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ मांगा है अल्लाह ताला से।
اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے, یعنی یہاں تک کہ جو مرنے کا عذاب ہے, یعنی جب جان نکلتی ہے جسم سے تو وہ عذاب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پر لے لیا ہے. یعنی اتنا مددگار تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اب ہمیں, ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے کہ ہمیں سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کرنے کے لیے فرمایا ہے وہ اس پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جو جس سے انہوں نے روکا ہے اس سے رکنے کی توفیق عطا فرما. شکریہ, والسلام.